प्रशासन से थोड़ा ये क्या क्या भैयान क्या प्रशासन से थोड़ा क्या कुछ नहीं प्रशासन से थोड़ा नोक प्रशासन से नोक जब होती रहती तो हेलो गाइस तो आप लोगों को देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम जा रहे हैं घाट पे देव दीपावली देखने। वैसे वहां पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, आई डोंट नो, हम लोग थोड़ा लेट जा रहे हैं तो पता नहीं वहां एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो बेइज्जत होके वापस आ जाएंगे। लेकिन फिर भी हम लोग देखिए पूरा एकदम से तैयार हो गए हैं सारे लोग। अपना आकाश भाई क्या हैंडसम लग रहा है, वाह। एंड आवर अपना पठान भाई, पठान वाह यह रुक जाइए भाई, लुक दिखाइए, ये देखिए क्या लुक है अपने विनय भाई की। तो देख रहे हैं तो एकदम से पूरा रेडी, सभी एक नंबर के लग रहे हैं। और अब आपको दिखाएंगे अगर आगे का वीडियो बनेगा तो। सो लेट्स सी। तो फाइनली हम आ गए हैं रविदास पार्क में, जहां से हम एंटर करेंगे घाट पे। पार्क होते हुए घाट जाएंगे क्योंकि उधर बहुत भीड़ है और 3-4 किलोमीटर लगभग हम लोग चलते हुए हैं क्योंकि रास्ता बंद था। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर हम लोगों ने टिकट टिकट का दाम देखा तो वो हमारे ऑटो के किराए से क्या भाई जान टिकट का किराया हमारे हम लोगों ने टिकट नहीं लिया तो टिकट भाई जान महंगा था, महंगा नहीं था यार, 20 रुपए ही था। लेकिन हम लोगों के लिए वो ये बेनिफिशियल नहीं लगा कि इतनी दूर हम लोग टैक्सी से नहीं आए, पैदल आ गए। प्रशासन से थोड़ा ये क्या क्या भाई जान क्या प्रशासन से थोड़ा क्या कुछ नहीं प्रशासन से थोड़ा प्रशासन से नोक जब होती रहती। नहीं तो प्रशासन से नोक झोंक और इसमें टिकट में क्या मतलब है? अबे यार टिकट नहीं थी, मंत्री है, रोला जमा रहा, रोला बिना मतलब का। अपना बिना भाई मंत्री है, इसको टिकट नहीं मिली, फ्री की टिकट इसको चाहिए थी। खैर तो हम लोग वापस जा रहे हैं इस रविदास पार्क के बाद। तो पहुंच चुके थे 80 घाट पर जहां का दृश्य काफी सुंदर। आज अपनी जलपरी भी सज गई है। जलपरी को कितने बढ़िया ढंग से सजा दिया गया, आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आज जलपरी को पापा की परी बना दिया गया है। वहीं कुछ बच्चे काफी रंग बिरंगी रंगोलियां अलग अलग सजा रहे थे क्योंकि मन मोह लेने वाला था। कोई रंगोली छत्रपति शिवाजी पर थी तो कोई रंगोली गुरु नानक देव और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे थीम पर थी। वही रास्ते में हमने कुछ बच्चों को देखा जो कि दिए लगाने और सजाने में काफी मशहूर थे। वहीं ये बड़े बड़े दिए विदेश से आए आकर्षण का केंद्र था। बीच बीच में फूलों से बनी बड़ी बड़ी रंगोलियां भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। चलते चलते हमें लग गई भूख तो हमने ट्राई की वहां पर लगी पापड़ी चाट। प्रो लेवल की भीड़ लगभग है और भाई प्रो लेवल की भीड़ में घुसना, उन्हें भेद कर आगे निकलना, घाटों पे जाना, ये हमारा काम है। सीन हो गया, नई जगह है, बहुत जगह है, नई जगह है भाई जान, बहुत जगह है, चली गई आगे, नई जगह है, बहुत जगह है, नई जगह है, बहुत जगह है। इस भीड़ से गुजरने के बाद हमें देखने को मिला ये मनोहर दृश्य।
के लिए भारत माता की जय। तो दो हवा खा के ताली बजा के सब लोग रूप से गाइए, क्योंकि ऐसा उल्लंघन जगह है कि जो एक बार हर हर गाले गलेगा भैया का जाए घोष बोलते करोड़ों लोग के बराबर हो जाता है भाग्य प्रभाव। और एक बार गर्मी का एहसास लेना है तो देखिए भाई जान गर्मी से एकदम डूबे हुए, तो भाई ठंडी में भी गर्मी का एहसास लेना तो इस भीड़ में आ जाओ देव दीपावली देखने। आगे जाने का रास्ता नहीं था तो हम जागरण सुनने के बाद पीछे की ओर लौटने लगे, क्योंकि संध्या होना शुरू हो गई थी जिसके कारण यह लाइट, यह जगमगाते नाव सारे आंखों को काफी बेहतरीन सुकून दे रहे थे। हम कुछ देर इन छोटे छोटे और बड़े बड़े नावों को नदी में तैरते हुए देख रहे थे, जो कि एक अलग ही आनंद का अनुभव करा रहा था। और अब हम निकल चुके आगे की ओर, जहां पर ये सुंदर सुंदर लाइटें और जगमगाते दिए आंखों को काफी आनंदित कर रहे थे। वहीं बीच में अपने विनय भाईजान अपना वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करा रहे थे। हमने देखा कि एक फॉरेनर भाई अपने कला का प्रदर्शन कर रहे थे, जो कि बहुत सारे दर्शकों को अपने तरफ खींच रखा था। पहुंच चुके थे हरिश्चंद्र घाट पर, जहां पर यथार्थ सत्य यानी कि मृत्यु का भी दृश्य हमें देखने को मिल गया। Thank you.
देव दीपावली में हमारे कुछ मित्र लोग भी इधर मिल गए हैं। सब लोग हाय बोल दो। सभी लोग बहुत काले काले आ रहे हो अपनी इधर कहीं सब। तो आपको कैसा लग रहा है, कैसा है एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, मजे आ रहे हैं एकदम। मजा आ रहा है भाई एकदम। चलो अभिषेक भाई को मजा आ रहा है। प्रियांशु बहुत मजा आ रहा है भाई। अच्छा लग रहा है, इंतजार कर रहे हो। मजा आ रहा है। सब क्या देखने के लिए इंतजार कर रहे भाई? 12 मीटर है एकदम। अच्छा लेजर शो यानी कि लाइट शो के तो भाई अब मैं जा रहा घर, और हमारे जो भी रूम पार्टनर्स थे वो सारे बिछड़ गए, पता नहीं कहाँ चले गए भाई। इधर उधर फ़ोन किसी का नहीं लग रहा है, वो लोग भी फ़ोन कर रहे हैं तो नहीं लग रहा मेरे ऊपर। बस मैसेज आ रहा है कि भाई मिस्ड कॉल हुआ। मैसेज मैंने किया दे यार, मतलब मैसेज भी नहीं जा रहा भाई। सो फिर इसलिए अभी आई हैव टू गो टू माई होम। वैसे भी मेरा मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया है, सो आई हैव टू गो। नहीं करते अपने ब्लॉग को बंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।